सौगात उन्होंने दिए महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और नेतृत्वहीन, दिशाहीन और विजनलेस, डायरेक्शनलेस एंड लीडरलेस गवर्नमेंट हैज रियली हर्ट द इंडियन ग्रोथ स्टोरी। हाँ, मैं हिंदी में पहले बोलता हूँ, वो एकदम बीच में इंग्लिश कर। यूपीए के 3 साल का क्या बखान करें, 3 साल में उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, 3 चीजें दी है जनता को, और दिशाहीन, नेतृत्वहीन और कोई विजन विहीन ऐसी एक सरकार, बेबस लाचार सरकार, और जो चुनौतियां थी उसको खो दिया, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए और अवसर खो दिए, ऐसी ये सरकार है। इस सरकार के बने रहना हर दिन के लिए देश के लिए नुकसान है, और इसलिए ये सरकार जितना जल्दी जाएगी उतना अच्छा है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव के सिवा सरकार नहीं जाती है, तो जैसे ही चुनाव आएगा लोग तैयार है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये 3 साल देश के इतिहास में और देश के विकास की जो एक नई गाथा शुरू की थी अटल जी ने, उसको तेजी दी थी, उसको बड़ा ब्रेक लगा है। ये सरकार ने स्पीड ब्रेकर का केवल काम किया। ममता बनर्जी ने कहा है इंग्लिश, द यूपीए गवर्नमेंट हैज फेल्ड मिजरी, मेड इट वेरी क्लियर दैट वी एंड इंडिया कलीग्स विल डिस्कस द इश्यू एट एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड वंस वी टेक ए कॉल एज फार एज द प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इज कंसर्न विल डेफिनेटली मेक इट पब्लिक। जो लोकप्रिय नेता बताया गया है देश का, क्या बीजेपी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी? देखो, नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही जबरदस्त तरक्की करने वाला राज का और गुड गवर्नेंस का एक मिसाल कायम की है, और हमें उस पर गुरूर है। और जिस तरह से उन्होंने गुजरात में 10 साल में एक सामाजिक सौहार्द भी बनाया है, दंगा भी नहीं होने दिया है, और साथ ही साथ उसमें उन्होंने जिस तरह से विकास का एक नया आयाम किया, खोला है, और एक विकास जिस तेजी से किया है वो सराहनीय है, और सारे लोग उसी की सराहना करते हैं। पर क्या पीएम कैंडिडेट